नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में शायद ही कोई होगा जो न जानता हो। उनकी इच्छा शक्ति की ढेरों कहानियां आपको विश्व भर में मिल जाएंगी। कहते हैं कि वह ऐसे सेनानायक थे जिनकी डिक्शनरी में असंभव जैसा कोई शब्द नहीं था। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया को जीतने का मादा रखने वाले नेपोलियन एक लड़की के इश्क में हार गए थे। जी हाँ, एक लड़की से जिसका नाम जोसफिन था। तो आइए जानते हैं इनकी दिलचस्प प्रेम कहानी को। किस्सा उस समय है जब नेपोलियन फ्रांसीसी सेना के प्रमुख हुआ करते थे। उनके एक आदेश के तहत फ्रांस के लोग अपने घर के हथियार जमा कर रहे थे। इसी दौरान नेपोलियन की नज़र एक लाइन में खड़े हुए 14 साल के लड़के पर पड़ी जो बार बार अपने आंसू पोंछ रहा था। नेपोलियन उसे काफ़ी देर से देख रहे थे। उनसे जब रहा नहीं गया तो उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? बच्चे ने सिसकते हुए कहा, मैं यूजिन हूँ। यह तलवार मेरे स्वर्गीय पिता की आखिरी निशानी है। इसे भी आप जमा कर रहे हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। बच्चे की बात नेपोलियन को छू गई और उन्होंने उस तलवार को उस बच्चे से कहा कि तलवार को अपने साथ ले जाए। अगले दिन नेपोलियन किसी से बात कर रहे थे, इतने में किसी ने टोकते हुए कहा, मैं यूजिन की माँ हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ, आपने कल जो किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेपोलियन खामोश थे। वह इस तरह से उन्हें देख रहे थे जैसे मानो वह किसी और दुनिया में हो। असल में वह यूजिन की माँ की सुंदरता से मोहित हो गए थे। वह कुछ कहते इससे पहले वह जा चुकी थी। कई दिन बाद जब नेपोलियन की आंखों से वह चेहरा नहीं उतरा तो उन्होंने पता लगाया कि वह कहाँ रहती है। गुप्तचरों ने जल्दी ही सारी जानकारी निकाल ली और नेपोलियन के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, साहब, यूजिन की माँ अपने ही यहाँ के एक सैनिक अधिकारी की पत्नी है। उनका नाम जोसफिन है। चूंकि उसके पति की सजा के चलते अब वो और उसका बेटा अकेले रहते हैं और उसके पति को फांसी दे दी गई थी और वो अब उस दुनिया में नहीं है, इसलिए अब बेटे के साथ यूजिन की माँ अकेले रहती है। नेपोलियन के लिए एक अच्छी खबर थी। एक तो वह यूजिन की माँ का नाम पता जान चुके थे, दूसरा वह अकेली रहती थी, वह आसानी से जोसफिन को पा सकते थे। वह चाहते तो उनके अकेलेपन का फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन वह उन्हें पूरे मन से अपना बनाना चाहते थे। पहली ही नज़र में अपना दिल जो हार बैठे थे नेपोलियन। धीरे धीरे उन्होंने मेल झोल बढ़ाया तो जोसफिन भी उन पर मर मिटी। वैसे तो वह नेपोलियन से उम्र में बड़ी थी, लेकिन नेपोलियन की सत्ता की हनक से वह प्रभावित हुई और फिर उनकी होती चली गई। नज़दीकियाँ बढ़ी तो नेपोलियन और जोसफिन ने एक दूसरे का हो जाने का मन बनाया। दोनों तैयार थे, तभी एक अड़चन आ पड़ी। असल में नेपोलियन खुद को राजा घोषित करने वाला था, इसलिए वह चाहता था कि जोसफिन को वह अपनी साम्राज्ञी घोषित करे, लेकिन जोसफिन इसके लिए तैयार नहीं थी। वह कैथोलिक नहीं थी, इसलिए उन्हें चर्च की मान्यता वाली शादी मंजूर नहीं थी। वह अपने तरीके से शादी करने की जिद पर थी। लोगों को कुछ पल के लिए लगने लगा कि यह रिश्ता अब नहीं चलेगा, पर नेपोलियन ने सबको गलत साबित कर दिया। वह जोसफिन को मनाने में कामयाब रहे। अंत में नेपोलियन 26 और जोसफिन 32 की उम्र में शादी के बंधन में बंधकर एक दूसरे के हो गए। इसके बाद नेपोलियन ने खुद को सम्राट घोषित किया और जोसफिन को साम्राज्ञी। नेपोलियन जोसफिन को युद्ध के मैदान में भी नहीं भूलता था। उसे वे अपनी पत्र व्यवहार से, पत्राचार से और सैनिकों के माध्यम से अपने प्यार का इजहार करता था। हालांकि जोसफिन से इन पत्रों को कभी जोसफिन ने गंभीरता से नहीं लिया और वह लगातार इनका मजाक उड़ाती रही। शायद वह नेपोलियन के युद्ध में उलझे रहने से काफ़ी नाराज रहती थी, या फिर अब नेपोलियन में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं रह गए थे। लेकिन नेपोलियन जोसफिन को बहुत प्यार करते थे, शायद इसलिए नेपोलियन उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देते थे। पर अफसोस, नेपोलियन की वफा जोसफिन को रास नहीं आई। युद्ध स्थल में नेपोलियन की व्यस्तता का उन्होंने फ़ायदा उठाया और दूसरों से संबंध बनाए। हद तो तब हो गई जब वह नेपोलियन के महल में ही अपने प्रेमियों से मिलने लगी। धीरे धीरे पूरे पेरिस में इस बात की चर्चा आरंभ हो गई। जल्द ही यह खबर नेपोलियन तक भी पहुंची। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि जोसफिन ऐसा कर सकती है। वह खुद से सवाल कर रहे थे कि उनके प्यार में कहाँ कमी रह गई। ऐसी स्थिति में आमतौर पर लोग अपना आपा खो देते हैं और संबंध खत्म कर देते हैं, लेकिन यह नेपोलियन का अपनी पत्नी के लिए प्रेम ही था कि उन्होंने एक बार भी जोसफिन से सवाल तक नहीं किया कि उन्होंने उनके साथ ऐसा क्यों किया। नेपोलियन जोसफिन से कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर उनकी समस्या खाए जा रही थी। उन्होंने तय किया कि वह जोसफिन को समझाएंगे, इसलिए उन्होंने जोसफिन को एक पत्र लिखकर उन्हें युद्ध क्षेत्र में बुलवा भेजा। पहले तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में वह तैयार हो गई। असल में उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। शायद वह नेपोलियन को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी।
शायद इसीलिए वे अपने साथ अपने प्रेमी चार्ल्स को छुपाकर नेपोलियन के पास लेकर आई थी। हालांकि वह सफल नहीं हो सकी, चार्ल्स पकड़ा गया और नेपोलियन ने उसे मारने का हुक्म दिया। चार्ल्स के पकड़े जाने पर पहले तो वह शांत रही, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सच में नेपोलियन के लोग चार्ल्स को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो वह एकदम से नेपोलियन के पैरों में गिरकर चार्ल्स की जान की भीख मांगने लगी। पत्नी को इस तरह से देखकर नेपोलियन का दिल पसीज गया और उन्होंने उसे जिंदा छोड़ते हुए पेरिस भेज दिया। जोसफिन ने नेपोलियन से वादा किया कि अब वह कभी चार्ल्स से नहीं मिलेगी। उसके बाद वह दिखावे के लिए नेपोलियन से ढेर सारा प्यार जताती रही। कुछ वक्त तक सब ठीक ठाक चलता रहा। नेपोलियन को यकीन हो गया कि जोसफिन को अपनी गलती का एहसास हो गया, अब वह सिर्फ उन्हीं से ही प्यार करती है, पर वह गलत थे। थोड़े ही समय बाद जोसफिन ने अपना पुराना रंग दिखाया। नेपोलियन युद्ध के लिए मिस्र गए तो जोसफिन ने फिर से चार्ल्स को महल बुलवा लिया। इस बार नेपोलियन के भाई जोसेफ ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। जोसफिन ने लाख विनती करने के बाद भी वह नहीं माना। उसने नेपोलियन को इस बारे में संदेश भेज दिया। नेपोलियन इस बार सहन नहीं कर सके। वह चाहते तो इसके लिए जोसफिन को तोहफे में मौत दे सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। वह जोसफिन से प्यार जो करते थे, नेपोलियन को महसूस हुआ कि जोसफिन चार्ल्स के साथ रहना चाहती है, वह उनके साथ खुश रहेगी, इसलिए उन्होंने अपने प्यार को कुर्बान करते हुए उन्हें तलाक दे दिया। तलाक देते समय वे बहुत भावुक थे। उन्होंने जोसफिन से कहा, जाओ तुम आज़ाद आज से और अब जी लो अपनी ज़िंदगी। मुझे इतने साल देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे साथ बिताए 15 साल हमेशा याद रहेंगे। यही नहीं, जोसफिन को काफ़ी सारे उपहार देकर एक शानदार बग्घी में बिठाकर उसने विदा किया। जोसफिन के जाने तक कई सालों तक नेपोलियन अकेले रहे। फिर उनके जीवन में मेरी लूसी ने एंट्री की। शुरुआत में नेपोलियन को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो अभी तक जोसफिन को नहीं भूल पाए थे। पर अंत में लूसी और उसके बीच बातचीत आरंभ हुई, दोनों में प्यार हुआ और बाद में शादी। लेकिन इस बार भी नेपोलियन के हाथ वही पहले वाली कहानी लगी। लूसी ने अपने पिता के साथ मिलकर एक साजिश के तहत वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को परास्त करा दिया। वह बंदी बनाए गए और सेंट हेलेना द्वीप में उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। इस तरह दुनिया को जीतने वाले महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट अपने प्यार की बाजी नहीं जीत सके और अपने निजी जीवन से वह उम्र भर के अपने सम्मान को खोकर अंत में धोखे के साथ मृत्यु को प्राप्त हुए। जीवन के आखिरी पड़ाव में भी उनके साथ कोई नहीं था और वह इसी तरह अकेले ही दुनिया से कूच कर गए। तो दोस्तों, ये थे नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। और नेपोलियन बोनापार्ट की और भी बहुत सारी कहानी, जैसे वाटरलू का युद्ध, नेपोलियन बोनापार्ट की और कहानियाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी, अगर आप उन्हें देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है, आई होप आपको पसंद आएगी। और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।